ये थी तुम सिटी। तो आप देख रहे हो मेरे पीछे इतना बड़ा सा ये, जो लड़के रील्स बनाती है ना उनके लिए तो बेस्ट जगह है। 0.85 बिलियन का मतलब 685 करोड़ रुपए पार्क बनाया। नमस्कार सभी और स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मुकुल ऑन रील्स में। मैं हूँ मुकुल और रील्स अपने ये है, और रील्स अपने हैं जो हो चुके हैं खराब, इनको मुझे छोड़ना पड़ रहा है। अभी आपको मेरे शक्ल से दिख रहा होगा कि कितना बुरा फील हो रहा है मुझे। अभी बताता हूँ कि हुआ क्या है। तो फिर बात ये हुई कि जो मेरे व्हील्स थे वो खराब हो गए, व्हील्स के व्हील ही खराब हो गए। आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में कि मैं आया था अपनी गाड़ी की सर्विस कराने, बट हुआ यूं कि मतलब उसकी सर्विस थी वो तो हो गई, बट गाड़ी भाग रही लेफ्ट साइड और अब हो गया था लेट क्योंकि अब होने वाला था सर्विस सेंटर बंद। तो आज गाड़ी छोड़नी पड़ी, इसलिए फिर मैंने भाई को बुलाया और फिर अब हमने सोचा कि जब हम आ गए हैं बाहर को निकले हैं तो आपको नोएडा घुमाते हैं। तो नोएडा में अभी खड़ा हूँ मैं फिल्म सिटी के बाहर, और जो TNT फ्लाईओवर है उसके जैसे स्टार्टिंग में ही है और यहाँ पे सारे न्यूज़ चैनल हैं, तो आपको वो दिखाता हूँ। आज घूमेंगे नोएडा, नोएडा की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ सारे न्यूज़ चैनल है, जी मीडिया, एफएम न्यूज़। मैं ये फर्स्ट टाइम हूँ यहाँ पे इस साइड पे, जबकि 10 साल से रह रहा हूँ मैं इस सारे, बट मैं इसको भी रोड पे आया नहीं। आज देखता हूँ क्या है। जो भी आप अपने घर बैठ के न्यूज़ देखते हो उनका जो स्टूडियो सारा, उनका सारा प्रसारण यहाँ से होता है, रिकॉर्डिंग यहीं से होती है। हाँ, ब्रॉडकास्टिंग भी बहुत सारे चैनलों की यहीं से होती है, जिनके पास ये लगी हुई ना बड़ी डिश, हाँ ये छतरी, ये डिश जो लगी हुई है बड़े वाली, तो यहीं से इनकी ब्रॉडकास्टिंग भी यहीं से ही है। ये देखो संस्कार, संस्कार बढ़िया बना रखा ऑफिस, इसे देख के पता लग रहा है कि काफ़ी बड़ा चैनल है, क्योंकि इसके और भी छोटे छोटे चैनल हैं संस्कार के, संस्कार के नाम से उसके अलग भी बहुत सारे हैं। ये देख मारवा स्टूडियो लिखा है, ये सब शूट वूट करने के लिए ये बहुत मूवीज में देखा स्टार्टिंग में लिखा हुआ पता है ये। और ये देखो कितना बड़ा ऑफिस है न्यूज़ 18 वालों का, ये जो दिख रहा होगा। और भी बड़ी टेक कंपनी से कम नहीं लग रहा, खर्चा करा भाई तो। ये थी तुम सिटी और न्यूज़ तो घर पे देखती है इनकी, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई एंकर वगैरह कोई दिख जाएगा बाहर को, बट एंकर तो ऐसी महंगी महंगी गाड़ी खड़ी, शायद इनमें एंकर की होगी। ये वाली बिल्डिंग देखो क्या सही बनाई हुई, अभी देखते हैं किसकी बिल्डिंग है। नोएडा का मॉल ऑफ इंडिया, इधर है गार्डन ग्रेलिया मॉल, ये मॉल नाम का, इसमें सिर्फ अंदर बार क्लब है। अरे आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, यहाँ पर अभी एक हत्या हो गई थी एक बंदे की, एक बाउंसर ने, इसको निकाल दे भाई को पहले बहुत जल्दी में आया। तो यहाँ पे एक हत्या हुई थी, एक बाउंसर ने एक इंसान को इतना मारा कि वो मरी गया। तो ये वाला मॉल है और शाम का ट्रैफिक देख लो जरा शाम। और सबसे बेस्ट पार्ट जो यहाँ का है नोएडा का, जो आपको हमेशा मिलेगा देखने को, वो है ये ट्रैफिक। कभी भी आ जाओ किसी भी टाइम, इस जगह पे ट्रैफिक मिलेगा हमेशा। और सामने आने वाला है अभी GIP का, बहुत पुराना मॉल का पूर्वज, हाँ जो बहुत पुराना बहुत ही फेमस मॉल है यहाँ का। इन सबका एंसेस्टर, इन सबका पूर्वज GIP है, जो कि नोएडा में जब से 10 साल पहले आया होगा तो यहाँ ना गया हो तो बात नहीं है सर। तो अभी हम ले रहे हैं टिकट, अब आपको बताता हूँ कि टिकट हम किस चीज़ का ले रहे हैं। हेलो, हाय कर दो, हाय। टिकट ले रहे हैं भैया, नोएडा में एक पार्क है जो अपने 10 साल का है मेरा जीवन है, उस जीवन में मैं यहाँ कभी आया नहीं, बट आज आ रहा हूँ क्योंकि अब बनाने हैं व्लॉग्स, तो हम सीरियसली यहाँ पे आए हैं क्योंकि बाहर निकले ही थे। तो भाई ने बोला कि ये वाला पार्क हमने भी घूमा आज तक, आज घूम लेते हैं इसी बहाने। मैंने चलो ठीक है। अब पार्क का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एक नाम तो ये है इसका। हाँ, लोग इसे मायावती पार्क के नाम से जानते हैं, सबसे ज्यादा फेमस तो मायावती पार्क के नाम से क्योंकि मायावती जी ने बनवाया था। और एक बार आप देख रहे होंगे मेरे पीछे इतना बड़ा सा ये बना हुआ है गुम्बद टाइप का, ये पार्क के अंदर है और इतना बड़ा है, और मुझे आज तक नहीं पता कि इतना बड़ा होगा ये। हमेशा मैं इस रोड से बाहर निकलता था, यहाँ से निकलते थे हम सीधा दिल्ली, बट कभी मैंने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। और भैया इतना बड़ा, इतना विशाल है ना, इतने हाथी लगे हुए हैं यहाँ पे, अभी दिखाता हूँ आपको, बहुत सही मज़ा सा आ गया देख के। वहाँ जो भाई साहब खड़े हैं टिकट चेक करने वाले, उन्होंने हमसे पूछा कि हमने कैमरा लिया हुआ है क्या, तो उन्होंने सिर्फ इस कैमरे को देख के बोला कि चले जाओ। शायद उनके पूछने का मतलब ये था कि कोई बड़ा कैमरा लेके आए हो तो उसके लिए स्पेशल परमिशन या कुछ स्पेशल कुछ अमाउंट देना पड़ता। एंट्री के टाइम पर सबसे पहले देखने वाली चीज़ तो ये हाथी हैं। जब ये हाथी इतने फेमस हुए थे, ये कहा जाता था कि एक हाथी की कीमत शायद 1 करोड़ से भी ज़्यादा थी। और ये पार्क बना था यहाँ 2011 में, मायावती जो उस समय की यहाँ CM थी UP की, उन्होंने इस पार्क का उद्घाटन करा था। और तो और गानों की शूटिंग भी होती है यहाँ। अच्छा, ये एक रीज़न था उसके पूछने का कि एग्जैक्टली करने का जा रहे हो, छोटे कैमरे के लिए तो कोई इशू नहीं है, जो बड़े कैमरे से वीडियो शूट करने आते हैं प्रोफेशनल, उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। व्यू देखो कितना शानदार है, सबसे बड़ी बिल्डिंग NCR के सामने है, और फिर ये नोएडा के बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया सेक्टर 18, सेक्टर 16, और ये बड़े बड़े ऑफिस, और उनके साइड में बसा हुआ है पार्क, 33 एकड़ से ज़्यादा जगह में बसा हुआ है कि उस साइड में है उस गुंबद के पीछे,
वो दूर एरिया जाता है, उसके पीछे है यमुना नदी, यमुना के किनारे बसा हुआ है पार्क। यहाँ देखो लोग आते हैं अपना फोटो लेते हैं, बढ़िया बच्चे बनवाते हैं रील, अच्छी फोटो आती है यहाँ बड़ी। इसे बनाने की कॉस्ट जो थी वो लगभग 6.85 बिलियन रुपीज थी। तो बिलियन में रुपीज कितने हो गए इतना मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, मुझे लग रहा है कि 6.85 बिलियन का मतलब 685 करोड़ रुपए। 685 करोड़ रुपए में एक पार्क बनाया, इस पर तो हम बात नहीं करेंगे क्यों, क्या सब मतलब कैसा डिसीजन था, सही था गलत था। तो जो इतना बड़ा आपको दिखाया था मैंने गुम्बद शेप में जो बना हुआ है इतना बड़ा, वो उसके अंदर है मूर्ति, और इतनी बड़ी मूर्ति बना रखी है ना भाई साहब, बहुत बड़ी। स्मोकिंग और गुटखा उठका ना खाओ कम से कम, ये खाने चलेंगे सब कम, क्योंकि ये इतनी महंगी जो चीज़ है इतने लंबे टाइम के लिए बनी है खराब हो जाती है। और यहाँ आओगे तो वो वाली हरकत नहीं करनी है कि राहुल लव्स ऋतु, वो सब हरकतें चलनी है। कौन सी वाली? हाँ वही सब कपल वाला स्थल है, कपल स्थल कहूँगा मैं। जो गेट कितना बड़ा, मतलब जयपुर राजस्थान वाले को भी फेल कर दिया इसने तो आज के ज़माने में। हाथी है हर जगह, हाथी हर जगह है। कैसा लगा आपका पार्क? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अल्फेज। क्या मोहम्मद अल्फेज, कहाँ से आए हो? कभी नगर, कभी नगर से आए हो, क्या बात है। ये देखो ऊपर से क्या बढ़िया बना रखा है, मतलब इतने पैसे लगाए इसमें। एक बात तो समझ में आई कि खासकर जो लड़के रील्स बनाती है ना उनके लिए तो बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पे एथनिक कपड़े पहन के आओ और फिर जो हरकतें होती हैं थोड़ा मुंह हिला हिला के यहाँ करो, और इधर से चलने वाला अदाय दिखाने वाला, वो वाली हरकतें हैं यहाँ बेस्ट लगेंगी। वो भी लड़के कम ही है, मतलब लड़कियों के लिए ज्यादा है। तो वो है भीमराव अम्बेडकर जी, ये काशीराम जी, और ये खुद मायावती जी। इन्हें पता नहीं टाइम लग रहा था लेकिन ऊपर से देख के आइडिया लग गया। और देखो क्या बढ़िया बना रखा है यार, अलग ही मजे कर रखे हैं। ये मूर्ति थी, मूर्ति के अंदर यहाँ बनी है अलग अलग क्या बोलेंगे, दीवार पे बनी हुई प्रतिमाएं, और इनके पीछे कहानी है, पूरी पिक्चर है उसे देख रहे होंगे आप, ये वाली इसके पीछे कहानी है। बाबा साहेब है 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर था, वहाँ पे अछूतों को यानी कि दलितों को पहली बार मंदिर में अपना एक मोर्चा लेके प्रवेश करा, वो मंदिर का गेट दिखा हुआ और पीछे इनके साथ दलित लोग हैं। एंट्री कराई थी मंदिर में पहली बार, कौन से साल में कराई थी? 1930 में। सन 1930 में, ठीक। और जैसे कि बहुत लोगों को पता होगा कि जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उन्होंने लिखा था हमारा संविधान जो हम आज तक फॉलो करते हैं, तो उसकी भी एक उन्होंने यहाँ पे सबसे आइकॉनिक तस्वीर जो है वो ये है, बाबा साहेब जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति जो है उन्हें अपने हाथ से संविधान देते हुए संविधान की किताब, बीच में नेहरू जी हैं, उधर साइड में उनके वल्लभ भाई पटेल हैं, लास्ट में बड़ी टोपी वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, अच्छा शायद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। और सबसे और लास्ट 1956 की जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपना, अपने जीवन काल खत्म होने से पहले उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था 1956 में नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए बाबा साहेब। उससे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये पता चली आज के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिन्होंने अपनी जाति के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, उनको पूरा का पूरा उनका अधिकार दिलवाया, बट एट दी एंड उन्होंने जाके बहुत धर्म अपना लिया था, क्योंकि शायद वो मैंने भी कहीं पढ़ा है कि वो शायद बहुत परेशान हो गए थे सब देख के यहाँ का हालत ही खराब है ना, वो शायद हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था से ज्यादा खुश नहीं थे हमेशा से। और ऐसे ही कभी आपको हमने फोटो दिखाई अंदर जहाँ उन्होंने मंदिर में प्रवेश करवाया दलितों को, वहाँ लिखा तो अछूत है लेकिन मैं इस वर्ड को बोलना नहीं चाहूंगा, तो वो शायद इन सब चीज़ों से परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने लास्ट में सोचा कि बौद्ध धर्म में जाया जाए, बहुत लड़ाई करी बट लास्ट में बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था। और बाकी तो पार्क काफी अच्छा है, 15 रुपए के हिसाब से तो मतलब बढ़िया है, मतलब आओ अपने बच्चों के साथ, जो लोग फैमिली वाले इनके बच्चे बोलते हैं ना शाम को वहाँ चलो पापा वहाँ चलो, अपना सीधा उठा के यहाँ लाना, सबसे जरूरी 15 रुपए देना और अंदर। सबसे जरूरी बात है भाई, दो बात लगी मुझे सही, एक तो पार्क में कभी कभी आना ही चाहिए, करेक्ट, हम पार्क में नहीं जाते, हम सामने वहाँ मॉल में जाते हैं सब, मैं नोएडा वालों के लिए कह रहा हूँ खास। और सेकेंड चीज ये है कि आना चाहिए इसलिए भी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या बनाया था, क्यों बनाया था, खाली आपने भी न्यूज में देखा होगा, सही बात, कितने पैसे लगा देते ये हो गया था, वो सब बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन आके देखो तो सही, जब कुछ बना है सही बात, 15 रुपए खर्च करो वो राजकोष में दो 15 रुपए और आके मजे दे लो, 15 रुपए देके पूरा दिन बैठे रहो जाए, सही बात, और अच्छा बना हुआ है। सर्दियों में सबसे बढ़िया है, एक दिन तो कम से कम धूप सेकने आ जाओ, सर्दियों में धूप सेकने आ जाओ, और अभी गर्मी आए तो अभी मौसम अच्छा हो गया क्योंकि अंदर बहुत पेड़ है, बहुत हरियाली है, तो वैसे भी आ सकते हो फिर, मतलब ऑल इन ऑल एक बार आओ तो जरूर देखने। हम चलते हैं आगे की तरफ, ये था डॉक्टर अंबेडकर पार्क। ये अपने नोएडा भ्रमण करके आ गया था घर पे, इतनी गंदी गर्मी है अभी, जस्ट अभी स्टीम बाथ लेके आऊँ, स्टीम बाथ ही लेके आऊँ क्योंकि यहाँ पर बहुत कॉमन चल रहा है इसके लिए, हर घर में हर इंसान स्टीम बाथ ले रहा है क्योंकि पानी इतना खोलता आ रहा है ना ऊपर से बहुत ही गर्म, तो स्टीम बाथ लेके आऊँ अभी। जो मेरा मूड है थोड़ा सा शांत टाइप का है क्योंकि मुझे देखो अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है, मतलब मुझे पहले से गाड़ी का बहुत शौक था, ये मेरी छठी गाड़ी है, मतलब मैंने 5 साल से रखी है गाड़ी,
और ये मेरी 6th गाड़ी है, तो अभी आज के दिन मेरे पास वो नहीं है, तो मुझे काफी बुरा सा फील हो रहा है कि मतलब जल्दी से सही हो जाए और कल आ जाए। ऑल दो जो मेरी गाड़ी है वो भी अंडर वारंटी है, कोई बहुत बड़ा इशू भी होगा तो अंडर वारंटी वो क्लेम हो जाएगा, बट तब भी एक अंदर से है कि जब तक हाथ में नहीं आएगी ना अपने, तब तक थोड़ा मन ऐसे ही रहेगा। खैर चलो कोई बात नहीं, कल देखते हैं वो, उसकी अपडेट लेंगे कल। तो अभी के लिए तो भूख लगी बहुत तेज, भाभी ने दिया बना के जावे और इतने सुंदर से गिलास में सुंदर सा बनाना शेक। और अभी मेरा दोस्त आ रहा है, उससे मिलने जाना है, उसको पिक करना, आज वो यहीं पे स्टे करेगा मेरे साथ, तो उससे मिलेंगे अभी, आपको मिलाऊंगा और बाहर जाएंगे अभी कहीं कहीं घूमने, आपको भी घुमाएंगे, बट वो सब इससे अगले ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। तो इसी के साथ फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए, और जितना हो सके शेयर करना इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अब मैं खाता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।